चलिए बीच में यशो साहब भी खड़े हैं, नेताजी पीछे यशो साहब भी खड़े हैं, उनको भी माल्यार्पण कर उनका भी स्वागत करें। आदरणीय मैं अपने जो इसी ग्राम सभा में रहने वाले आदरणीय हम लोगों के खानियर हम सब स्तंभों के मालिक ग्राम कृपाल सिंह जी आए हैं, आके सचमुच मैं अपने बचपन में जैसे जब मैं अपने गांव गोधना में रहता ना, बचपन में तो जंगल पचैया नागपंचमी के दिन वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता था और ये कुश्ती यहाँ पे होती थी। तो आज ये देख के वही में बोला, यार ये सब क्या मेला लगा है क्या? हमने कहा कि आज सतीश भैया शायद मेला वाला लगवाए हैं क्या? बोले नहीं, ये त्योहार चल रहा है और इसमें ये सब चीजें मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सब लोग मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग अच्छे से एक स्पोर्ट्स स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए आप लोग यहाँ पे कुश्ती लड़े और जीत तो एक ही की होगी और जो जीता उसको भी अग्रिम बधाई, और अगर जिसको ये ट्रॉफी नहीं मिला निराश ना हो, कहाँ कमी रह गई उसको ध्यान देके फिर से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये जैसे भविष्य में आप लोगों को ये भी टारगेट करके, अगर आप प्लेयर है आप कुश्ती कर अपना खेल रहे हैं, तो आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए कि हमें कम से कम जिले में प्रथम स्थान मिले, जिले का नाम रोशन करें, जिले के साथ आप स्टेट में जाएं, स्टेट लेवल पे खेलें और स्टेट लेवल के साथ साथ आपको नेशनल लेवल राष्ट्रीय लेवल पर खेलने के बाद आपका सबसे बड़ा टारगेट जो होना चाहिए कि मुझे ओलंपिक में भी जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि हरियाणा की तरफ से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपसे गोल्ड मेडल उनको मिलता है। तो आप लोग, मैं आज मेरा सौभाग्य है और सतीश भैया को धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के बीच में आया हूँ, और आज मैं एक कमिट करके जाता हूँ आपके यहाँ कि जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कोई टूर्नामेंट होता है तो आप लोग मैट पे खेलते हो, तो हमें बहुत सारी ऐसे मतलब लोग मेरे पास आए बोले कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो मिट्टी पे, लेकिन जब मैच खेलने जाता है तो मैट पे, तो वहां पे हमको ग्रिप नहीं मिलता क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो धर्मापुर आप लोगों का जो एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, वहां से 22 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें शायद यहाँ पे भी आए होंगे कोई, तो आप लोग उनसे पूछिएगा। 22 बच्चे आए थे 14 साल से लेके 20-21 साल तक, तो एक ही आकर बोले अंकल मुझे मैट चाहिए। मैं सीधा, हम मुझे पता नहीं था कहाँ से मिलेगा, तो हमने उनसे ही एड्रेस लिया। उनके जो कोच सोनकर करके कोच थे, अशोक सोनकर, छोटे से थे, तो फिर मैंने 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पता नहीं अलीगढ़ या मेरठ में कहाँ मिलता था, वहां से मंगा के दिया। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज बच्चे जो है नेशनल लेवल तक पहुंच रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। और आप लोगों के लिए भी, अगर आप जहाँ पे आप खेल रहे हैं, अगर आपको जरूरत होगी, आपके जो आप यहाँ पे कोच आए होंगे वो अपने सतीश भैया से संपर्क करेंगे और आप लोगों को भी मैं वो मैट ला के दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसमें प्रैक्टिस करिए। मेरा एक ही सपना है कि जौनपुर हर एक क्षेत्र में, आज एजुकेशन के क्षेत्र में आगे है, बहुत सारे ऐसे जैसे भी आप देखिए हमारे गांव में, मेरा खुद गांव माधोपट्टी गोधना कोतरोपुर, हर लोग आज जितने आईएएस आईपीएस बहुत सारे पूरे देश में माधोपट्टी से गए हुए हैं, तो जौनपुर का नाम रोशन हो रहा है।
तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नेशनल लेवल के अलावा ओलंपिक तक जाइए और आप अपने जौनपुर का नाम रोशन करिए, आप अपने राज्य का नाम रोशन करिए और आप अपने देश का नाम रोशन करिए। ऐसे मैं आप लोगों से कामना करता हूँ फिर से एक बार, क्योंकि समय ज्यादा आप लोगों का सब यहाँ पे लोग आए हैं आपके इस खेल को देखने के लिए। मैं भी काफी देर तक बैठूंगा, एंजॉय करूंगा और आप लोग को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई और इस क्षेत्रवासियों को भी जो भी आप लोग आए आपके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। सतीश भैया को अब इनके बारे में आपको क्या बताऊं, हमारे पूर्व प्रत्याशी और भावी क्या है, आमदार है, हमारे मराठी में आमदार बोलते हैं, यहाँ पे विधायक जी बोलते हैं, तो हम दोनों को जोड़ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो एक लिंक है, जो शिवाजी से महाराज से जौनपुर के ही हमारे बनारस से वो महाराज जी गए थे जो उनके शिवाजी महाराज के गुरु थे, तो हम उसको भी यहाँ से लिंक कर रहे हैं। फिर से एक बार आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई, सतीश भैया को भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ, इतना बड़ा आप आयोजन करके आप एक लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे सुन के भी बहुत खुशी हो रही है, ये जो है हम लोग 100 ईयर्स ये 125 साल हम लोग ये मना रहे हैं और ऐसे ही अनवरत हर साल ये कार्यक्रम हो और होता रहे और ऐसी मैं कामना करता हूँ। फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई अच्छी बात, आपको इस उत्तर प्रदेश के जौनपुर के धरती पे, ये बसारतपुर के धरती पे आपका हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप जो है देश की तरफ से ओलंपिक खेले, ऐसा मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत राणा जी आए हैं हमारे पंजाब से, मुजफ्फरनगर से आए हैं, भैया आपका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आप लोग तो हमारे देश के एक भविष्य हैं और जो है आपको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन इस धरती पे करता हूं। आप भी मेहनत करिए, आज तो हम लोग चलिए ठीक है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं लेकिन आपका टारगेट ओलंपिक का गोल्ड मेडल होना चाहिए और उसके लिए आप भी नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान में रखिए। जीत हार जीवन में लगी रहती है लेकिन अपने लक्ष्य को देखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करें, लड़े और स्प्रिट के साथ अच्छी दोस्ती के साथ आप खेले, कोई उसमें कंजूसता नहीं हो, तो आपको फिर से अभिनंदन, आपका धन्यवाद देता हूँ आप यहाँ पे आए अपना समय निकाल के। और हम तो अपने शिष्यों से उन्होंने पूछा क्या देख रहे हो, कोई चिड़िया देखा, कोई पूंछ देखा, कोई पैर देखा, खाली एक अर्जुन थे जो उन्होंने पक्षी की आंख खाली उनको दिखाई देता है, इसीलिए अर्जुन की तरह आपको गोल्ड मेडल ओलंपिक का वो देखना है, बाकी चीजें जीवन में होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अगले मेला में मैं फिर आने की प्रतीक्षा एक साल और करूँगा और आशा है कि हम फिर आएंगे उस कार्यक्रम में और आनंद को उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ये सड़क पर जो गाड़ियाँ खड़ी है मोटरसाइकिल खड़ी है जाए उसको रास्ता खाली कर दें जिससे गाड़ियाँ चार चक्का आती जाती रहे, ये रास्ता है इसको आप